फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. थैंक यू. एक ही हफ्ता बचा है तो क्या कहना चाहिए, कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस तो बहुत बढ़िया कर रही हूँ, बहुत एक्साइटिंग भी लग रहा है. और आपने कह दिया कि ट्रेलर का रिस्पॉन्स अच्छा है, ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जिन तक हम पहुँचना चाह रहे हैं उन तक हम पहुँच पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है. और आप लोग फिल्म देखेंगे तो इसका कोई वो 100 गुना बेटर है. गेटिंग गूज़बम्प्स. एक हफ्ता बाकी रह गया है, एक्साइटेड हूँ, नर्वस हूँ, सब चीज़ें हैं. बट जैसा आपने बोला अभी कि ट्रेलर इज़ बिन वेल एक्सेप्टेड, एंड मेरा एक चीज़ में भरोसा है हर चीज़ को लेकर, जब तक मेरे बड़ों का आशीर्वाद मेरे साथ नहीं है ना तो मैं कुछ नहीं कर सकता. थैंकफुली अकबर आंटी, इनकी ब्लेसिंग हमेशा मेरे साथ में रही है, और बाकी बाबा जी की कृपा. फिलहाल प्रियंका का यही मंशा थी कि वो रीजनल फिल्म को इम्पोर्टेंस दे. हमने हमारी सबसे पहली फिल्म थी भोजपुरी की, जो अपने रीजन में ही बहुत बढ़िया डिड वेरी वेल. मराठी तो खैर वेंटिलेटर एवरीबडी नोज की बहुत ही उम्दा फिल्म भी थी और किया भी उसने बढ़िया फिल्म. अब पंजाबी भी उसी स्तर का ही है, उसी स्टैंडर्ड का है. और मैं चाहती हूँ, मैं समझती हूँ कि आप लोग उतना ही अप्रिशिएट करेंगे, उतना ही अच्छा लगेगा. पर फिलहाल हम लोग रीजनल को प्रमोट कर रहे हैं ताकि उनका इंटीग्रेशन हम अपने कंट्री में सब देखें, हर रीजन की खूबसूरती रीजनल लैंग्वेज में ही, और वहीं के आर्टिस्ट को हम पूरे इंडिया में दिखाना चाहते हैं, पूरे वर्ल्ड में दिखाना चाहते हैं. प्रियंका के रहते हमें ये प्लेटफॉर्म तो ज़रूर मिल रहा है कि इंटरनेशनली भी पहुँच हो गई हमारी. तो दिस इज़ व्हाट वी ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट टेक द मोस्ट. सर मैम की तरफ से एज अ प्रोड्यूसर ऐसा कुछ इंटरफ्रेंस था क्या, इतना ही बजट रहना चाहिए या टाइम पे हो जाना था, ऐसा कुछ? आंटी बोल रहे हैं अभी, बट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं था. मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे को इतना सपोर्ट मिला है, मैंने अभी भी पहले भी बोला, इतना सपोर्ट मिला कि मुझे लगा ही नहीं कि हम प्रोडक्शन हाउस और एक डायरेक्टर आपस में डील कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं. इट ऑलवेज लाइक अ फैमिली. सो आई गेस शी हैज़ गिवन मी फुल फ्रीडम टू डू व्हाटएवर, यू नो, व्हाटएवर आई वांट, द वे आई वांट. नो इंटरफेरेंस, आई डोंट थिंक सो एनी इंटरफेरेंस हैपेंड. हाउ वाज़ द एक्सपीरियंस लाइक अमरिंदर गिल, जो ऑलरेडी एक सुपरस्टार है पंजाब के, उनको डायरेक्ट करना? ओके, अमरिंदर पाजी, ही इज नॉट जस्ट अ सुपर स्टार, इज अ मेगा स्टार आई गेस. यू नो, आप उनके साथ कभी मिलेंगे, बैठ के बातचीत करेंगे, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं. मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि सर, एक इंडिया के अंदर एक रजनीकांत हैं जिनको हम रजनी अन्ना बुलाते हैं, आप पंजाब के रजनी अन्ना हैं एक्चुअली. एवरी वन जस्ट लव हिम, जस्ट लव हिम. एक सेकेंड का मुझे नहीं लगता कहीं से कोई प्रॉब्लम आई होगी. से भी बहुत स्वीट हैं, बहुत कोऑपरेटिव, बहुत ही हेल्पफुल हैं. तो ऐसा लगा नहीं कि हम जैसे बाहर से आए पंजाब फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री लिए, ये नए थे. लेकिन अमरिंदर जी, अंबर सिंह, अंबरदीप सिंह जी का सपोर्ट हम लोग को इतना ऑन साइट ऑन लोकेशन मिला कि हमें फील नहीं हुआ कि नई जगह पे हैं या नया काम कर रहे हैं. उनका अपनापन, जैसे मैंने कहा ना, अपनापन बहुत था अपनी यूनिट में. सही मूवी के ये मूवी में ऐसा क्या चीज़ थी कि आप मजबूर हो गए, क्या मुझे ये प्रोड्यूस करना ही चाहिए? क्योंकि इसमें अपनी मिट्टी की खुशबू थी पहली बार. कुछ भी जो टिपिकल पंजाबी से हम लोग सोचते हैं अर्बन जगह में रह के, बॉम्बे दिल्ली के पंजाबी वो हैं, ये कहानी में वो बात नहीं थी. ये कहानी अपनी मिट्टी से जुड़ी, अपने जड़ों से जुड़ी, ये कहते हैं पिंडू कहानी, लेकिन पिंडू नहीं है ये, एक्चुअल पंजाब है, द रियल पंजाब. तो रियल पंजाब की रियल कहानी ऑथेंटिक है एकदम, जैसे कौन सा तंदूरी चिकन ऑथेंटिक. वैसे चिकन टिक्का मसाला, माँ की दाल, इट इज ऑथेंटिक स्टोरी ऑफ पंजाब. प्रियंका चोपड़ा का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है अब तक, कितना इनपुट और कितना इंटरेस्ट दिखा रही है वो इन प्रोजेक्ट में? आई थिंक इसका जवाब अगर आंटी देंगी तो ज़्यादा बेटर होगा. 100%, 100 से भी ज़्यादा, 10% ऊपर. आज सुबह भी उनसे बात हुई कि क्या प्लान बना रहे, क्या कर रहे हो. दौरान प्रोडक्शन रोज रात हमारी बात होती थी, उनसे ब्रीफिंग होता था आज क्या हुआ, उनको मैं बताऊँगी कल क्या होना है, उनका मशवरा लेती थी, उनका इनपुट. जब फिल्म बन गया तो करण ने उनको फर्स्ट स्क्रीनिंग दिखाया, उसमें भी जो उनका इनपुट था, कुछ छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट के लिए, नॉट करेक्शन, कि इसको करने से, इसको बढ़ाने से इम्प्रूव हो जाए. सब जो भी उनका इनपुट था, वो ऐसे लग रहा था जैसे हम कोई बहुत बड़ी हिंदी फिल्म बना रहे हो. उनका एटीट्यूड ऐसा है कि कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, जो आप काम कर रहे हैं वो बड़ा ही है, बड़ा समझ के ही करें.
तो जो उनका इनपुट था वो हम लोगों ने खुशी खुशी भी लिया, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी को भी नहीं प्रॉब्लम हुई, एक्सेप्टेड एंड वी हैव एक्चुअली इम्प्रूव्ड द फिल्म आफ्टर दैट। प्रियंका के लिए आई गेस मेरी जितनी भी मीटिंग हुई उनके लिए प्रोडक्ट फिल्म सबसे बड़ी है, उनको हम सारे अपनी तरफ से लगे हुए हैं सब चीज़ें, वो खुद भी इतना बड़ा मेगा सुपर मेगा स्टार ग्लोबल आइकॉन है, वो उनका एक्सपीरियंस उनकी क्रिएटिव थिंग्स सब चीज़ें आई, हमें पता ही नहीं लगा कि यार ऐसा कुछ हुआ है कि ये हमारे साथ में द ग्लोबल आइकॉन बैठे हैं। पहले तो डरते डरते गए कि यार पता नहीं कैसे बात करनी है कैसे नहीं करनी है, लेकिन बैठे तो 5 मिनट के अंदर इट फील्स लाइक कि यार ये तो मतलब ये सिर्फ फिल्म की बात करती हैं, इनके पास सिर्फ क्रिएटिव है, क्रिएटिव शी ओनली टॉक्स फिल्म 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 एंड फिल्म दैट्स इट। दर्शक प्रियंका मैम को कोई कैमियो रोल में देख पाएगी क्योंकि वेंटिलेटर में भी थोड़ी बहुत थी, तो इस ये मूवी में भी देख पाएगी? इसमें पॉसिबल नहीं हुआ, हमारे शूटिंग ऐसे टाइम पे हुआ जब प्रियंका फारिक नहीं थी, फ्री नहीं थी, पर उसने हमारा ट्रेलर लॉन्च को किक ऑफ किया टोरंटो में अमरिंदर जी और प्रियंका मिलकर, और वो हमारी मेकिंग में थोड़ी सी नज़र आएंगी हमारी फिल्म में ज़रूर, पर जो किक ऑफ किया उसने वो बहुत ही उम्दा बहुत बढ़िया था, वहाँ का प्रेस कॉन्फ्रेंस और जैसे हमारी रिसेप्शन हुई कैनेडा में हमारी यानी कि प्रियंका और अमरिंदर जी का, तो दोनों दो दिग्गज वहाँ खड़े थे, तो इट वॉज रियली हैवी वेट। और अभी भी मैं कह रही इस फिल्म में हमारे 5 हैवी वेट्स हैं, तो फिल्म का प्रोजेक्शन बहुत बढ़िया बहुत लार्ज होगा, जब आप थिएटर में देखेंगे तो आपको पता होगा कि ये फिल्म में कितना कुछ गया है नमक। लास्टली जैसे हम सब जानते हैं ओम पुरी जी की आज डेथ हो गई है, प्रियंका चोपड़ा ने भी इंस्टाग्राम को एक माध्यम बनाया अपना श्रद्धांजलि देने का, तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके? उनको मैं बहुत करीब से जानती थी और नैनीता जी को भी बहुत अच्छे से जानती थी, अब क्या बोलूँ, इतना शॉकिंग रहा है, सुबह उठे तो पहली खबर वो, तो मुझे यही लगा था कि इट वॉज टू अर्ली फॉर सच अ नाइस पर्सन फॉर सो मच टैलेंट, पर एक तरफ से तसल्ली हुई कि जिनको जाना था वो तकलीफ में नहीं गए, यही एक है, पर टू अर्ली, अफसोस तो बहुत ज़्यादा है। हाँ ओमपुरी जी से मेरी मुलाकात आई थिंक 2-3 बार हुई है, एक दो बार स्टोरी के ऊपर डिस्कशन हुआ है। ओमपुरी साहब मुझे, मैं ऐसा कहूँगा हमारी इंडस्ट्री ने एक टैलेंट और खो दिया आज, लाइक रियली फील्स बैड, यू नो मैं सुबह सुबह उठा तो फ़ोन पे देखा सबसे पहले वही चीज़, फेल बैड कि यार एक बहुत बड़ा टैलेंट चला गया, शायद मैं उनके साथ कभी एक काम करना चाहता था, वो चांस मैंने गवा दिया, यू नो जस्ट ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दें, उनके परिवार के साथ पूरी पूरी सिंपथीज हैं, पूरी इंडस्ट्री साथ में खड़ी हुई। थैंक यू।